देखिए बच्चे, अब क्या है, व्हाट इज द एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। बच्चे एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया नियम है कि भैया देर में रोशनी होती है, बट कई बार ये नियम फेल हो जाता है, दिन में भी अंधेरा हो जाता है, बहुत अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है। तो ये जो एक्सेप्शंस हो गया, जो कभी कदार नियम नहीं लग पाता है, तो जिन वजहों से नहीं लग पाता है वो नियम, लाइक आप बोलेंगे सर बादल आ गए थे, क्लाउडी हो गया था, तो क्लाउडी क्या एक्सेप्शन हो गया। तो जो नियम को लगने में जो अवरोधक पैदा कर दे, नियम को अप्लाई होने में जो रिस्ट्रिकेट करे लोगों को, उस सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं, जो लोगों को अप्लाई नहीं होने देता है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। भैया डिमांड का तो आपको पता है कि लो क्या है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, ये पता है लो है। बट कई बार ऐसा नहीं होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि प्राइस बढ़ने से आप डिमांड कम नहीं करते हो, प्राइस कम होने से डिमांड आप नहीं बढ़ाते हो, वो सारे सिचुएशन जो है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है? अब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, कब कब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। एग्जांपल के देखिए बच्चे, स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स, और कोई गुड्स ऐसी है ना जो स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स है। आपको पता है स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स क्या होती है? जैसे लोग देखो लाखों लाखों रुपये घड़ी पहनते हैं, राड़ो है ना, बड़ी कीमती लाखों लाखों रुपये घड़ी पहनते हैं, ये स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स है, महंगी महंगी चीज़ें लोग कैरी करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, कार है ना। अब कार में तो देखो सभी कार पेट्रोल पे चलेगी और सभी कार आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके चली जाएगी, लेकिन हम महंगी से महंगी कार को लेते हैं जब पैसा आता चला जाता है, तो क्योंकि उससे लगता है कि उससे स्टेटस बन रहा है, ऐसा लगता है लोगों को, लोग देखेंगे भाई ये वाली कार चला रहा है। मोबाइल में खैर बात करना ही होता है हमें, तो वो हम 15,000 रुपये के फ़ोन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लाख लाख रुपए तक के फ़ोन में जाते हैं, क्यों? उससे लगे कि भैया वो कितना महंगा फ़ोन यूज़ कर रहा है, स्टेटस है उसका। तो जहाँ पर कोई गुड्स लोगों के स्टेटस को रिप्रेजेंट करे, वहाँ लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। एक टाइम पर है ना नैनो कार आई थी, नैनो कार एक ऐसी कार थी जो कि एक, जो जनरली क्या होता था कि बाइक जिसकी फैमिली बड़ी होती थी, तो बाइक पे हस्बैंड है, वाइफ है, उसके तीन बच्चे हैं, तो एक बच्चा आगे बिठा लिया, दो बच्चे पीछे हैं गोद में ले रखा है, तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर थोड़ा बहुत बाइक गिर भी गई तो बच्चों को और महिलाओं को लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं चोट। तो उस सिचुएशन में ना आए तो जो रतन टाटा है, उन्होंने सोचा कि यार भारत में परिवार है, वो एक दूसरे के पे ट्रैवल करना चाहती है, बट परिवार बड़ा होने की वजह से वो बाइक पे ट्रैवल कर तो रही है, बट ये रिस्क है इनके लिए, तो क्यों ना इनके लिए एक सस्ता कार बना दिया जाए जिनसे कि एक्सीडेंट नहीं होगा, परिवार का परिवार सुरक्षित रहेगी, और इनकी जो नीड है एक दूसरे के पे ट्रैवल करना, वो नीड भी फुलफिल हो जाएगा। तो उन्होंने ना कार बनाया, वो नैनो कार, उसकी कीमत सिर्फ 1,00,000 रुपये रखा, बाइक के आसपास की कीमत रखी। अब जाहिर सी बात, इसका परिवार बड़ा है तो वो कार अफोर्ड कर सकता है, तो उसको कार लेना चाहिए, उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। लेकिन आपको हैरानी होगी, वो नैनो कार चली नहीं, लोगों ने खरीदा नहीं। क्यों? नैनो कार खरीदने से लोगों को लग रहा था कि यार उसकी इंसल्ट हो रही है, लोग बोलेंगे पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं सस्ता कार ले आया, 1,00,000 वाली कार, नैनो कार में पता है 1,00,000 रुपये की कार है, लोग मजाक बनाएंगे, लोग हंसेंगे उसके मारे, क्योंकि भैया स्टेटस सिम्बोलिक गुड्स होती है कार। तो आप जो रिच क्लास के लोग हैं वो नैनो कार चलाएंगे तो उनको थोड़ा अजीब लगेगा, तो इसलिए जो स्टेटस को बताती थी, लोगों लगता था यार 1,00,000 वाली कार लेंगे, नैनो कार थोड़ी सी छोटी दिखने में लगती है, टायर थोड़े से छोटे लगते हैं, तो थोड़ा सा इसका मजाक बनता है, तो यार रहने देते नहीं लेते, 1,00,000 रुपये फंस जाएगा और फिर चलाने में थोड़ी शर्म भी आएगी। तो देखो क्या हुआ, कार की बात कर रहा हूँ, प्राइस कम हुआ, डिमांड कम हुआ, क्योंकि ये स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स था। क्लियर है? जो स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स होते हैं ना, उसके प्राइस कम होने से, जो स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्राइस कम होने से लोग उसका डिमांड भी कम कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो। तो स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स, दिस टाइप ऑफ गुड्स आर परचेज नॉट बिकॉज ऑफ देयर
यहाँ कुछ मिस्टेक कर रहा है. वैल्यू बट द बिकॉज ऑफ द स्टेटस. द सेम ज्वेलरी वेन द सोल्ड एट द लो प्राइस सेल्स पुअरली बट ऑफर्ड एट द फाइव टाइम्स द प्राइस सेल्स क्वाइट वेल. सिमिलरली द डिमांड फॉर द कलर टीवी वीडियो टेप रिकॉर्डर हैज बीन द राइजिंग बिकॉज ऑफ द देयर द स्टेटस सिम्बोलिक इन द स्पाइट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द देयर प्राइस हैव टू ऑल्सो बीन द राइजिंग कॉन्टिन्यूसली. इन ऐसी वैसी ये सारी चीज़ें जैसे जैसे प्राइस बढ़ते चली जा रही हैं. आईफोन की भी प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं. चार्जर तक नहीं देता बट स्टेटस सिम्बोलिक है तब भी लोग उसकी डिमांड करते चले जा रहे हैं उतने ज़्यादा. एक बच्चे एक और है एक समझ में आ गया. एक पॉइंट की मैं और बात करता हूँ. गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केयर और कॉस्टली इन फ्यूचर. गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केयर और कॉस्टली इन फ्यूचर. कोई ऐसे गुड्स जिसको लगता है कि फ्यूचर में क्या हो जाएगी ये एक्सपेंसिव हो जाएगी कॉस्टली हो जाएगी तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है. क्लियर है? एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज को. आप बच्चे अभी मैं रियल सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ. कोई ऐसा मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ. 2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको. जब नरेंद्र मोदी को फर्स्ट टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर के लिए बीजेपी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उतारा था 2014 में, उस समय नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और अभी भी हैं. तो एक ऐसी र्यूमर्स फैल गई कि चीफ मिनिस्टर जो बिहार के हैं नीतीश कुमार वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे बट उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस नहीं करा, नरेंद्र मोदी को कर दिया. तो अब इनके बीच में मनमुटाव हो गया मोदी के बीच में और नीतीश कुमार के बीच में, क्योंकि मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर होगा, नीतीश कुमार का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो है आपस में इनके बीच में मनमुटाव रह गया है. अब मोदी गुजरात से आता है, नमक गुजरात से होता है, तो बिहार में एक रूमर्स फैल गई बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कि भैया मोदी और नीतीश कुमार के बीच में सही नहीं चल रहा है. तो एक खबर फैला दी कि भैया नमक की सप्लाई रोक दी बिहार में क्योंकि गुजरात से आता था. अब भाई बिहार में नमक की कीमतें बढ़ने लगी. जनरली लो ऑफ डिमांड तो कहता है कि भैया जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होना चाहिए, बट वहाँ पे सॉल्ट की प्राइस बढ़ने लगी कॉन्टिन्यूसली तभी लोग रुके नहीं, लोग डिमांड और कर रहे थे क्योंकि भैया फ्यूचर में और महंगा हो जाएगा ये. तो नमक 200 रुपये किलो तक पहुँच गया था बिहार में. 2014 की कहानी आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं. तो देख रहे हो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी, जबकि लो डिमांड तो कहता है प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होना चाहिए. वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि फ्यूचर में एक एक्सपेक्टेशन थी कि भैया इसका प्राइस बढ़ेगा. जब फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन आ जाएगी भैया इसकी कीमतें बढ़ेगी, तो अगर प्राइस बढ़ भी रही है तब भी आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे. लोग स्टोर कर करके रख रहे थे अपने पास में. क्लियर है? तो गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केयर और कॉस्टली इन फ्यूचर. अगर आपके ऐसे एक्सपेक्टेड है कि भैया फ्यूचर में स्केयर हो जाएगा, कम रहेगा, नहीं मिलेगा, काफी महंगा हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में प्राइस अगर बढ़ भी रहा है तो लोग तब भी उसकी डिमांड करते रहते हैं. समझ में आया बच्चे? क्लियर है? आर परचेस्ड बाय द हाउस होल्ड इन द इंक्रीज क्वान्टिटीज इवन वेन देयर प्राइज आर सोरिंग अपवर्ड्स. बढ़ता रहता है. एक बच्चे होता है फैशन, जो चीज़ फैशन में आ गई, जिसका फैशन चल गया, अब चाहे प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, लोग डिमांड उसकी करते ही हैं. तो फैशन में आने के बाद लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है. क्लियर है बच्चे? तो ये फैशन में भी क्या है कि इसका एक एक्सेप्शनल केस है. क्लियर है बच्चे? अब अजम्पशंस क्या है इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि ये अदर फैक्टर्स आर रिमेन अनचेंज्ड. जो लिखा हुआ था वो मैं बाद में इसकी डिटेलिंग में बात करूंगा. चलो इसमें ना एक्सेप्शंस में एक और पॉइंट था, गिफन गुड्स. बच्चे गिफन गुड्स क्या होता है? मैं अभी एक्सेप्शन का ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? गिफन गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ. गिफन गुड्स किसे कहते हैं वो समझिएगा. गिफन गुड्स का मतलब बच्चे होता है महाघटिया वस्तु जो क्वालिटी वाइज बहुत लो होती हैं, ठीक है ना? लाइक जैसे कि मान के चलो कि एक टी शर्ट ऐसे भी हैं जो कि आपको 1000-1000 रुपये में भी आए, ब्रांडेड टी शर्ट 2000-2000 रुपये में भी आती हैं. एक एक ठीक ठाक चलो दुकान से ले रहे हैं,
एक होता है कि भैया आप बिल्कुल ही, क्योंकि भैया आप पे पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल ही थर्ड क्लास मार्केट में गए, जहाँ पे कि उसका कलर वॉश, कलर उसका निकल जाएगा, धागे उससे निकल जाएंगे, 2, 4, 5, 10 दिन पहनने के बाद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा, लटक सा जाएगा, पर सस्ता है तो आपने उसको ले लिया। तो जो इस टाइप के गुड्स होते हैं, सी बड़ी वेरी लो क्वालिटी होती है, उसको हम गिफन गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम गिफन गुड्स कहते हैं। तो जो वेरी लो क्वालिटी की गुड्स होती है ना, उसका प्राइस अगर बढ़ेगा ना, उसकी डिमांड बढ़ती है, और प्राइस कम होता है ना तो डिमांड उसका कम हो जाता है। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है? तो ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आपका सवाल है सर, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ने पे इसकी प्राइस बढ़ने पे इसको लोग क्यों खरीदेंगे? प्राइस कम होने पे डिमांड कम क्यों हो जाएगी? तो आइए समझते हैं एग्जांपल से। पहले आप मेरे कहने से आप इतना समझ चुके हो कि अगर कोई गिफन गुड्स का कंज्यूमर है तो कोई अपने शौक से नहीं है, मजबूरी में। अगर कोई गिफन गुड्स को बाय कर रहा है तो क्या अपनी इच्छा से बाय कर रहा है, या उसकी अपनी मजबूरी है, उसकी आमदनी का स्तर बहुत लो है, वो अफोर्ड नहीं। हर कोई चाहता है कि भैया अच्छी से अच्छी चीज़ों को अफोर्ड करें, आप भी चाहते हैं बहुत ब्रांडेड चीज़ें आप यूज़ करें, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या वो आपकी इच्छा है या फिर आपकी मजबूरी है? मजबूरी है। तो एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आपके पास में क्या है बच्चे, एक पर्सन है, बेचारा बहुत गरीब आदमी है, इसकी अपनी एक पत्नी है, दो बच्चे हैं, एक इसका अपना पूरा परिवार है, इसकी अपनी एक वाइफ है, और इसके इस तरीके से दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इसके, ठीक है बच्चे, एक छोटा परिवार है, लेकिन आय का स्तर बहुत निम्न है, बहुत लो स्तर है। किसी तरीके से अपने लिए ये बस सरवाइव करने के लिए फूड इनके अवेलेबल करवा पाता है अपने परिवार को, जिससे कि वो सरवाइव कर पाए। बड़े बड़े शौक सपने तो नहीं हैं, जैसे कि आप देखते हैं भारत में भी ऐसे बहुत सारे इस राज्य हैं, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, और भी राजस्थान में भी कुछ गांव हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, हरियाणा में भी हो सकते हैं, कुछ गांव, कुछ घर ऐसे हो सकते हैं जहां पर कि दो वक्त का भोजन कमाना, उसको अर्जित करना ही एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है परिवार का, वो हो जाए वही बहुत बड़ी गनीमत होती है उनके लिए। तो ऐसा ही एक परिवार है, तो जाहिर सी बात है ये किस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करेंगे, किस टाइप सी कॉमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे, ये गिफन गुड्स के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी रहेगी। तो इनके इनकम के ऊपर भी मैं बात कर देता हूँ बच्चे, कि इनकी जो इनकम है, लेट कर लो कि इनके इनकम ₹20 है, ठीक है बच्चे, इसकी इनकम। और ये बेचारा बासमती चावल खाने के सपने हैं, अच्छी अच्छी सब्जियाँ, रोटी, ये सब चीज़ें सपने हैं इसके, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सकता क्योंकि आमदनी बड़ा कम है ना, चाहता तो है बट नहीं कंज्यूम कर सकता। परिवार का पालन पोषण कैसे होगा बताओ? इतना सा चावल लिया जाएगा बासमती 20 रुपये का, उससे क्या पेट भर जाएगा सुबह शाम परिवार का? नहीं भर पाएगा ना। तो ये बेचारा क्या है, मार्केट में देखता है तो बाजरा देखता है मार्केट में, जो कि ₹15 किलो है, गिफन गुड से ही, ठीक है बच्चे। तो ये इसकी इनकम में आ गया है ना, और ये उस चपाती के बाजरे की रोटी बनाता है, उसके साथ कुछ किस्में खाएगा, कुछ अपना नमक या फिर आलू ही छोटा सा ले आएगा, उसी को ही किसी तरीके से सब्जी बनाने की कोशिश करेगा, कुछ भी करेगा, बट ₹5 का ही मात्र ₹15 का बाजरा लाता है, ₹5 का वो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें वेजिटेबल लाता है। तो 1 किलो राइस में जितनी भी चपाती बनती हैं, जो सब्जी बनती हैं उसमें सुबह शाम उसका उपभोग कर करके, उसका कंजम्पशन कर करके, उसका निर्वाह कर लेता है। ये बात समझ में आपको आई? क्लियर है, परिवार चल रहा है। लेकिन एक टाइम क्या हुआ कि एक टाइम इसने ये देखा
वो हैरान हो गया, उसके पसीने छूट गए। कब? जब प्राइस जो है ना इसका 18 रुपए पर केजी हो गया। प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, क्लियर है? और वो पहले कितना डिमांड कर रहा था? वो 1 केजी ले रहा था बाजरा। समझ में आया आपको? पहले डिमांड का स्तर क्या था उसका? पहले वो 1 केजी, बाजरा लिए। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई ना समझ में? हाँ, तो 1 केजी पहले बाजरा लिया। अब उसके होश उड़ गए, कब? देख करके कीमतें बढ़ गई, और महंगाई तो गरीब आदमी को मारता ही है। 18 रुपये कीमत हो गई है। अब वो क्या कर पाएगा भैया? क्या ऐसा बोलेगा, यार अब तो बाजरा महंगा हो गया, छोड़ो बासमती चावल खाएंगे? अगर वो खरीद सकता था तो पहले खरीदता। क्या वो शिफ्ट हो सकता है कहीं पर? क्यों नहीं हो सकता शिफ्ट? उसकी इनकम ही नहीं है भाई। महंगा हो गया तो छोड़ के तो जा नहीं सकता ना इसको, क्योंकि कुछ और लेने के तो कंडीशन में है नहीं वो, है ना? तो उसको तो भैया परिवार चलाने के लिए तो लेना ही पड़ेगा। अब वो क्या करेगा? इसको अगर वो 1 केजी लेता है, ये 1 केजी लेता तो कितने रुपए खर्च हो जाते हैं? 18 रुपए। लेकिन क्या अब 2 रुपए में कोई वेजिटेबल देगा उसको? तो जो उसके कैलोरीज का वेजिटेबल से तो लॉस हो गया, अब तो उसको वेजिटेबल मिलने से रहा नहीं। अब वो अपने 2 रुपए का क्या करेगा? अब पहले तो उसके पास में 1 किलो बाजरा और थोड़ा सा वेजिटेबल लेकर के अपनी कैलोरीज का फुलफिल कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था। बट अब वो वेजिटेबल ले नहीं पाएगा, बट उसमें 2 रुपये बच रहे हैं, और 2 रुपये कुछ और लेने की कंडीशन में है नहीं, बट कैलोरी का लॉस हुआ नहीं उसका, वेजिटेबल अब वो नहीं ले पाएगा। तो क्या करेगा वो? अपने उस 2 रुपये को भी, 2 रुपये को भी बाजरे पे शिफ्ट कर देगा। थोड़ा बाजरे की क्वांटिटी कुछ ग्राम बढ़ा लेगा। भैया ये ले लेते हैं जो सब्जी नहीं है, उसका नुकसान इसी से बॉडी को पूरी करके देंगे। तो डिमांड क्या हुई इसकी बच्चे? बढ़ गई। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया। तो ये क्या लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसी को तो बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक और केस ले लेते हैं। प्राइस है ना आपका कितना था पहले? 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ पर केजी। एंड आपके पास में आप क्या हुआ, प्राइस फॉल हो गया, 10 रुपये पर केजी हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और आपकी इनकम कितनी थी? 20 रुपये। और पहले आप क्वांटिटी कितनी ले रहे थे? क्वांटिटी पहले आप 1 केजी ले रहे थे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और बाकी 5 रुपये कहाँ खर्च कर रहे थे? वेजिटेबल। आप 10 रुपये हो गया। अब बात बताओ मुझे, तो अब आपको 1 किलो लेने में कितने रुपए खर्च होंगे आपके? हाँ, कितने रुपये बच गए? 10 रुपये बच गए आपके पास में। तो 10 रुपये आपके पास में बच गए, तो आप थोड़ा सा जो पैसा ज़्यादा बचा उससे वेजिटेबल या किसी और चीज़ भी जा सकते हो आप, वेजिटेबल से भी थोड़ा सुपीरियर पे जा सकते हो। 10 रुपये बच गए आपके पास में, तो अब आप अपने 10 रुपये यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो ना। यहाँ 10 रुपये खर्च होंगे, 10 रुपये यहाँ ट्रांसफर करोगे। तो 10 रुपये अगर आप यहाँ ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ से आपकी थोड़ा सा सुपीरियर चीज़ पे आप जा रहे हो, तो सुपीरियर चीज़ से कैलोरी पहले से ज़्यादा फुलफिल हो रही है। सुपीरियर चीज़ से, तो सुपीरियर से जब पहले ज़्यादा फुलफिल हो रही है, तो फिर यहाँ से उतनी कैलोरी लेने की नीड गया है, हैं? तो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा कम ले लो आप, हाफ केजी ले लो, और पैसे बचेंगे तो 5 रुपये और आप शिफ्ट कर देना, क्योंकि वहाँ से कैलोरी बढ़ रही है सुपीरियर चीज़ों से। तो फिर आप गिफन से क्यों अपनी कैलोरी को फुलफिल करोगे? आज बाजरे से भी मिलता है आपको बासमती, तो लेकिन हम लोग बासमती से कर रहे हैं जब हम कर सकते हैं, तो ये फिर वहाँ से करेगा। तो समझ में आया ना? तो 20 रुपये अभी भी इसका 20 रुपये ही है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ज़्यादा कैलोरी कहाँ से ले पा रहा है? वहाँ से ले पा रहा है। तो इसकी इससे इतनी कैलोरी लेने की इसको नीड क्या है, इससे क्या कर देगा? कम कर देगा। तो क्या देखने को मिला? प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या करा? कम। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ, क्लियर है? तो देखो क्या बोलता है,
वट इज द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड्स इन केस ऑफ सर्टेन इन्फीरियर सेस ज्वार बाजरा व्हेन देयर प्राइस फॉल्स देयर डिमांड मे नॉट राइज बिकॉज कंज्यूमर डाइवर्ट द एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर कॉज बाय फॉल इन द प्राइस टू परचेस ऑफ सुपीरियर गुड्स. जब कीमत गिरता है तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ाएगा वो गिवन गुड्स का, वो उसकी जो परचेसिंग पावर है ना उसको सुपीरियर गुड्स की तरफ लेके चला जाएगा. क्लियर है बच्चे? बिकॉज कंज्यूमर डाइवर्ट देयर एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर टू परचेस ऑफ सुपीरियर गुड्स. एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर सच इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स हुज प्राइस हैज फॉलन ऑल्सो फॉल्स. सच इन्फीरियर गुड्स आर कॉल्ड द गिवन गुड्स बिकॉज दिस फैक्ट वॉज द एनालाइज बाय द फर्स्ट बाय सर रॉबर्ट गिवन. ये जो थ्योरी दी थी ये एक इकोनॉमिक्स थे रॉबर्ट गिफन, इसलिए उनके नाम से इसका नाम रख दिया गिफन गुड्स. क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया आपको? याद समझ में आ गया? अब आगे कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में.